हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स टीचर, और आपको गणित पढ़ाऊंगा। और आज हम एक चैप्टर है घातांक और कड़ी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ, घातांक और कड़ी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडिसेस। होता क्या है, आप लोग इनको शुरुआत से इस्तेमाल करते आ रहे हो, लेकिन आप लोगों को इनके नाम से परिचय नहीं होगा, आप इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। मैं शुरू करूंगा इसमें घातांक और कड़ी में, घातांक से एक अलग से पॉइंट बनाएंगे, घातांक और घातांक, या बोले इंडिसेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है आप लोग ही जान लीजिए। जैसे कहीं पे अगर लिखा है कोई संख्या, से लिखी 5 और 5 लिखा है और इसके ऊपर पावर लगी 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 गुणे 5, मतलब उसी संख्या को उसके जुड़वा से या उसकी संख्या से ही उतनी बार रिपीट करना। अगर 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 गुणे 5। देखिए ये जो है, ये हमारा है आधार और ये है घात, ठीक है ना। अब इसे घात पढ़िए या घातांक पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यही पढ़ेंगे। इसी कैसे प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें बहुत चीजें होती हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब होता है, वो आप कैसे करोगे और इनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनेंगे। और इसमें आपका जो पेट सिलेबस है उसमें बहुत अच्छे से दिया है, 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें के आने चाहिए, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा और थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कहीं पे लिखा हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 4। ये लिखने का शॉर्ट मेथड होता है और यही एक तरीका है, ठीक है ना। अब आज मैं इसको कैसे इसको हल करें हम देखते हैं, और पहले मैं इस पेज को हटाता हूं और तब देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इनको गुणा भाग जोड़ने घटाने में दिक्कत आती है, सबसे पहले हम लोग वही सीखेंगे कि घातांक में कैसे जोड़ना घटाना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं पहले बात करूं, भाग की बात करता हूँ, कि जैसे भाग करना हो तो कैसे करेंगे, भाग संबंधित प्रश्न या भाग, पहले बेस बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखो जैसे कहीं पे लिखा है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो 5 है, ये 5 क्या है, ये आधार है और इसकी ब्रैकेट लगा और ये 2, ये घात, ये घात। सवाल तब तक आपका आगे शुरू नहीं होगा जब तक आपका आधार सेम नहीं हो। अगर आपका आधार सेम नहीं है तो आप उनका गुणा भाग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और गुणा भाग उन्हीं का करोगे जिनका आपका आधार सेम होगा। आप लोग इतना ध्यान रखो और सवाल करना शुरू करो। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, और इसे पहले हटा देते हैं। एक साधारण है सबकी संख्या, मान लीजिए ए है और ए लिखा है और ये लिखा है इसका एम, ये क्या है, ये घात। अच्छा भाग की बात है तो अब नीचे भी ए होगा और उसकी घात होगी एन। ये क्यों लिया, मैंने आपको बताया था कि जो आधार है वो समान होना चाहिए, अगर आधार समान नहीं है तो आप उसे हल नहीं कर सकते। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आधार समान है, घातें अलग अलग हो सकती हैं, तो आप इनको कैसे करोगे, अगर भाग में दिया है तो आप ऐसे लिखोगे ए और इसकी पावर एम माइनस एन। ये करने का तरीका होता है, आप लोग इसे ही हमेशा फॉलो करो और ये हर जगह लगेगा भी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लीजिए कि 2 की पावर 4 लिखा है और नीचे 2 की पावर 2 दिया हुआ है। अच्छा सामान्यता तो देखेंगे तो देखिए ये पावर इससे कट जाएगी, यहाँ 2 बच जाएगा, बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं सीखना क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको बेस समझिए कैसे होगा, पहले मैं इसे हटाता हूँ और तब बताता हूँ आपको। अगर लिखा है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो मैंने आपको सूत्र बताया है। अब देखिए यहाँ पे आधार क्या था, आधार 2 है, मतलब अगर आप सूत्र जानते हैं, मतलब सूत्र क्या था, ए और ये इसका पूरा फॉर्मूला, मतलब ए की पावर एम माइनस एन, अगर बटे में है तो ऊपर वाली से नीचे वाली पावर घट के लिख सकते हो आप। तो आप देखो अब ऐसे ही सूत्र में रख दो, देखो आधार सेम है, मैंने 2 लिख दिया, अब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक है, तो कितना आया 2 की पावर 2, मतलब 4। देखिए यहां भी यही आंसर आएगा, अगर इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कट के 2 दूनी 4, देखिए 2 की पावर 2, मतलब यहां भी 4 आ गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा कुछ भी होगा अगर बटे में है तो आप उसे आराम से
उसको घटा के, या फिर घटाना ही सबसे बेस्ट है, भाग भाग करोगे चीजें छूटेंगी, कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अच्छा और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले इसे हटाता हूँ। एक कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3 और 3 की पावर ले ली 9, बटे में मैंने ले लिया 9 और 9 की पावर ले ली मैंने 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि आधार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार समान होना चाहिए। अगर आधार समान नहीं होगा तो आप काट पीट नहीं सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे जो ये 9 लिखा है, 9 को कैसे आप लिख सकते हो भाई? ये 3 का स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा होगा 3 3 9। तो आप इसे बेसिक कैसे लिखो, देखो 3 की पावर 9 ऊपर था, नीचे आप आइए और इसको लिखिए 3 की पावर 2 और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए लगा है। अभी एक प्रॉपर्टी और आगे आएगी, लेकिन ये सवाल आ गया तो मैं आपको बता देता हूं कि कहीं पे भी पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो ये इनका गुणा हो जाता है। मतलब ऐसे 3 की पावर 9 बटे 2 दूनी 4, मतलब 3 की पावर 4। तो आप ऐसे लिखो जो मैं भाग में बता रहा था, m-n, है ना, ये तो था। देखिए 3 और ऊपर पावर थी 9 -4, मतलब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये करने के तरीके होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं जो आप लोग आगे फेस करोगे, देखोगे तो आप समझोगे चीजों को, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, जैसे अब हम लोग अगला लेते हैं। भाग तो मैंने आपको बता दिया, गुणनफल जान लो कि गुणनफल पर कैसे सवाल होते हैं। गुणनफल आधारित जब आप सवाल देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि आधार तो सेम ही होगा, ठीक है ना, आधार सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब ए की पावर हमने ले ली एम पहले, ठीक, फिर गुणा ए की पावर हमने ले ली एन, ठीक है ना, फिर गुणा, फिर हमने ले लिया ए की पावर पी ले लीजिए, और फिर ले लीजिए ए की पावर अब क्यू ले लो, क्यू ले लो, ये दिया है। अब हम देखते हैं कि ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन बन गया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पे अगर ए की पावर एम दिया है इंटू ए की पावर एन दिया है इंटू ए की पावर कुछ भी दिया हो, यहां मैंने पी ले लिया और यहां मैंने ए की पावर क्यू ले लिया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो ए की पावर और इन सबको जोड़ के लिख लो आप, m+n+p+q। अब आप खुद देखोगे जब ऐसा कुछ होगा तो सेम बनेगा। अच्छा ये हमारा सूत्र भी है और ये हमारा बेसिक भी है। इस पर छोटा सा सवाल लेंगे, उससे आपको चीजें समझ में आएगी कि हुआ है कैसे हुआ। कोई छोटी संख्या लीजिए जिससे गुणा भाग करने में थोड़ा आपको आसानी रहे, जैसे मान लिया मैंने कि 2 की पावर मैंने 2 ले ली, और फिर देखिए आधार सेम होना चाहिए, 2 की पावर हमने 3 ले ली, फिर 2 की पावर हमने मान लो 1 ले ली, और फिर मैंने 2 की पावर फिर से 2 ले ली, या 4 ले लो, 2 की पावर 4 ले ली, ठीक है ना। देखिए बेसिक से जो आंसर आएगा वही आंसर आपका सूत्र से भी आना चाहिए, जो मैंने तरीका बताया करने का। तो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा कि हाँ दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं बराबर हो रहे हैं। तो आप देखोगे तो भैया 2, अगर यहाँ पे मैं सीधा पहले पहले बेसिक ले लेता हूँ, चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। देखिए 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 2 4, फिर 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 2 की पावर 1 मतलब 2, और फिर 2 की पावर 4 मतलब 16। इसका जो गुणा होगा वही हमारे जो सूत्र में रखने उस पर होगा। तो हम देखते हैं रख के, आप पहले हल ही कर लो। तो 16 दूनी 32, 32 चौके होता है 32 चौसा 128, और 128 गुड़े 8, 128 गुड़े 8, इसे भी हल ही कर लेते हैं। 68 64 बचा 6, 8 2 16, 6 22 बचा 2, 8 1 8 2 10, 1024 ये हमारा आना चाहिए। अच्छा अब देखिए जो बेसिक मैंने बताया था इसमें आप रख के देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि ए की पावर आपने बताया था कि इन सबको जोड़ के लिख दो, तो देखो 4 1 5 3 8 2 10, मतलब ए की पावर 10, या हमारा जो बेस है 2 की पावर 10। अब आप चाहो ना तो 2 को कितने बार लिख सकते हो, 2 को अगर 10 बार लिखो, अगर आप इसका गुणा करोगे तो आपको 1024 इसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा बेसिक। अच्छा देखो यहाँ पे तो संख्याएं ऐसी हैं, लेकिन जब पेपर देने जाओगे ना तो आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको गुणा करने में बच्चे को दिक्कत होती है और सवाल थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बनाता है टीचर,
और वो आपसे ज्यादा गुड़ा गुड़ा वड़ा नहीं कराता, खासकर ये दो दो के। अब जैसे वो क्या देगा, आप देख लो, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ पूरा सा और आप लिख लिए होंगे, देखिए वो क्या लेगा, वो लेगा 2 की पावर 0.5, ठीक है ना, ये ले लेगा, फिर 2 की पावर ले लेगा, मान लो फिर 0.5 ले लिया, फिर क्या ले लेगा, 2 की पावर ले लेगा 1, फिर 2 की पावर ले लेगा 2। अब ये सवाल है, पहली बात तो इस सवाल को देख के आप 2 की पावर इसे 1/2 या √2 लिखा है। अब √2 का मान तो आपको मालूम है कि 1.414 है, लेकिन क्या आप इसे गुणा करके लिखोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप जो सर ने सूत्र बताया है वही इस्तेमाल करेंगे जो उसका बेसिक है। हम क्या करेंगे भाई, देखो बेस समान है, अगर बेस समान ना हो तो बेस समान बनाएंगे, ठीक है ना, बेस समान बनाएंगे तो हमको मालूम बेस पहले से ही समान है। देखिए 2 लिखा और इन सब घातों को जोड़ लिया, देखो 0.5 0.5 एक हो गया, 2 2 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, यही इसका आंसर है। अब देखिए इससे पहले वाले तो मैंने बेसिक से जुड़वा दिया, लेकिन अगर यहाँ आप करने जाएंगे ना तो खुद ही परेशान हो जाएंगे, क्यों भाई 4 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर 4 का 2 4 2 8, फिर इनका 1.414, फिर 1.414, तब लगभग में उतना आंसर आएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो तरीका सही नहीं है, ये तरीका आपका बेसिक है, ये आप आराम से कर भी सकते हो, ठीक है ना, लेकिन तरीका आप लोग एक बार देख लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं चलता हूं आगे वाले क्वेश्चन पे, इसे मिटा देता हूं मैं। देखिए गुणा हो गया, भाग हो गया, अब एक देख लो कि घातों की घात, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग बना देंगे ऐसे लिख के कि घातों पर घात या घातों की घात, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी रहता है जिससे आपको चीजें क्लियर हो। घातों घात मतलब घात के ऊपर घात लगा दूं तो हम कैसे लगाएंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि या तो पहले सूत्र से बताऊं या कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको। अब मान लो कि मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूं, जैसे लिखा है ए, लिखा है ये हमारा आधार है, ठीक, आधार सब में समान होना चाहिए वरना चीजें हल नहीं होंगी। अगर ए है और ए की पावर है एम, ए की पावर एम लिखा है, ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके बाहर भी एक पावर दे दी गई, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट लगा दिया गया और फिर इसके ऊपर एक पावर मान लो दे दी गई पी, पी दे दी गई। अब बच्चा देखिएगा कहेगा इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो घात के ऊपर घात है। नहीं, आप इसे आसान कर सकते हो, इसका बेसिक क्या होता है, आप लिखो ए, आधार समान होना चाहिए और इन सबको क्या करो, सबको गुणा कर लो, मतलब ए एम इंटू एन इंटू पी, आप इनको ये लिख लो, आपका ये सवाल हल हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा अगर ये आपने सूत्र बताया है तो ये लगना भी चाहिए, तो मैं छोटे से नंबर से देख लेता हूँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे फिर मैं 2 ही ले रहा हूँ या 3 ले लो, आप हर बार सेम संख्या लेने की जरूरत नहीं। अगर 3 है और पहले जैसे बेसिक बनाया था वैसे ही बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने लिया 3 और इसकी घात है 1, 3 की घात 1 है, इसके ऊपर पावर लगी 2, ठीक है ना, फिर ये ब्रैकेट बंद है और फिर इसके ऊपर पावर लगी है ए, कोई मान लो छोटी संख्या मान लो, जैसे मान लो ए 3 मान लो, ये हमने मान लिया। अच्छा अगर इसे करने जाएं तो छोटी संख्या हल कर सकते हैं, तो मैं छोटी संख्या इसीलिए ले रहा हूँ कि छोटी संख्या आप लेंगे तो आप ये जान लोगे कि कैसे इसको जो हल निकाल रहे हैं सूत्र में जो रख रहे हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं अपने मन से बता रहे हैं। अभी मैं कोई बड़ी संख्या ले लूं तो वही कैलकुलेशन करने में आप हम परेशान होंगे और चीजें क्लियर नहीं होंगी, हम बेसिक जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। तो हम इसे पहले बेसिक से करके देख लें, तो हमें मालूम है कि 3 की पावर 1 मतलब 3 एकम 3, ठीक है, अब 3 का स्क्वायर आया 9 और 9 का क्यूब कितना होगा, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है हमारा मतलब 9 × 9 × 9, तो 9×9 81 सर 729 होता है, 729 होता है, हाँ सही है 729 होता है, मतलब यही आंसर हमारा जब ये वाले फॉर्मूला रखें इसमें भी आना चाहिए। तो मैं रख के देखता हूँ कहाँ लिख दूँ, थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, थोड़ा मिटाएं, यहाँ पे लिख देते हैं, शो कर रहा होगा। देखिए अगर ये लिखा है हमको घाते जोड़नी है तो है, देखिए लिखा हमने ए, ठीक है ना, ये हमारा बेस है, हमने लिखा और इन सबको गुणा करके देख लिया, देखो ए 1 × 2 × 3 1 × 2 × 3, ठीक है ना, तो क्या आएगा 3 × 2 = 6 मतलब 3 की पावर 6। इसे हम हल करके देखते हैं तो देखेंगे आप कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और
गुणे तीन, ठीक है, तीन तिया नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी, इक्यासी तिया दो सौ तैतालीस, और दो सौ तैतालीस तिया सात सौ उनतीस। इसका मतलब जो हम लोग चीजें कर रहे हैं, जो तरीका निकाले हल करने का, वो सही है और आपको देखेंगे ये आसान है। अच्छा देखो, जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों ना, तो ऐसे एक दो तीन ये सब नहीं आते, पॉइंट में आते हैं, दशमलव में आते हैं, जिससे गुणा करके कोई एक या दो बन जाए और चीजें छोटा सा आंसर निकल के आए, ठीक है ना। तो कोशिश ऐसा करिए, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ज्यादातर दशमलव में कराऊंगा, जिससे आपका दशमलव वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए और ये चीज भी आपको समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको घातों की घात क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या क्या है वो देखता हूं। अब देखिए क्या क्या हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, और ये हमारा घात के अंदर गुणा वाला हो गया। अब एक चीज देखिए, जब सीरीज आती है, जब सीरीज आती है मतलब श्रेणी आती है, तब आप देखते हो, ऐसे टॉपिक बना लो, श्रेणी ही लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने श्रेणी लिख लिया, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। बच्चों हमने देखा कि श्रेणी का मतलब क्या है, कोई चीज सिक्वेंस से है, जैसे लिखा है ए है ना इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये लिखा है। अच्छा थोड़ा इसे और अगर कॉन्सेप्ट में लेना चाहो तो आप एक चीज और इसमें ऐड करो, आप ये हटा दो पहले, ठीक है ना, ये हटाया और इसमें ऐड कर लिया ऐसे ऐसे ऐसे, ओह सॉरी ऐसे ऐसे कर लिया, मतलब इसका क्या है, वो चीज अनवरत चलती जा रही है, ठीक है ना। अच्छा ये घातांक है तो इसका इस्तेमाल क्या है, मतलब इसके ऊपर पावर लगी, इसके ऊपर एक कोई पावर लगी तभी ये घातांक का सवाल है, वरना है तो साधारण आपका नंबर सिस्टम में, ये भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पेट में आ रहा है पूर्ण संख्या नाम से होल नंबर, लेकिन वो उसमें मान लीजिए नंबर सिस्टम पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज समझो, अगर ऐसा है तो अब इसका क्या है, तरीका क्या है, मतलब इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर पूरी सीरीज के ऊपर और वो गुणा में है या फिर किसी और संख्या में होती, नॉर्मल गुणा आ रहा है, गुणा की बात कर रहा हूँ, अगर गुणा आ रहा है ए बी सी डी है, तो अगर घात पूरे पे लगी है तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे मतलब इसको खोलेंगे तो ये घात सबके ऊपर आ जाएगी, मतलब ऐसे ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन इंटू डी की पावर एन, ऐसे ही एंड सो ऑन, जहां तक ये जाएगा वहां तक ये घात के ऊपर घात चलती रहेगी। अच्छा इस पे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखें जो हम लोग लगा रहे हैं ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आधार की चिंता मत करिएगा इसमें, क्योंकि इसमें ना संख्या तो चेंज होगी लेकिन यहाँ पे सीरीज समान है, ये घात समान है, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया, मैंने छोटी संख्या लेनी थी, मैंने दो ले लिया इंटू तीन ले लिया इंटू चार ले लिया इंटू पांच ले लिया, ले लिया सीरीज ना ले वरना ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे बंद कर दिया और एन की जगह मान लो हमने ले लिया दो, ठीक है ना, दो ले लिया। अब दो मैंने दो तरीके बताए थे, या तो इसको मैं सबके ऊपर स्क्वायर लगा दूं या सॉल्व कर दूं या ऐसे ही सॉल्व कर दूं। अच्छा देखो यहां तो ये संख्या यहां सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब वहां पेपर में सवाल आपको देगा ना तो पॉइंट में देगा, तो आप ये सब नहीं करने बैठोगे, आप सीधे इसमें सूत्र रखोगे, या मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए पांच चौक बीस, बीस तीन साठ, दुनिया एक सौ बीस, एक सौ बीस का स्क्वायर, एक सौ बीस का स्क्वायर होना चाहिए। अभी कैसे होगा भाई, आना चाहिए तो सब सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर निकलने का बहुत सीधा फंडा होता है। जब जीरो आए ना, अगर जितने जीरो बाद में आ रहे हैं आप उसके दुगुना जीरो करके लिख लो स्क्वायर में, ठीक है ना। जब क्यूब आए तो उसका तिगुना करके लिख लो, जैसे अगर 120 का स्क्वायर है तो सीधी बात है एक जीरो है, तो देखो दो जीरो बना लो, दो जीरो बन गए। उसके बाद क्या करो, जो 12 का स्क्वायर सबको मालूम है, 12 बराबर 144, बस उसके आगे लिख लो, यही आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक वाला होता है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो मैंने तरीका बताया उससे करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन और ये हम सब में अंदर गुणा कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो हम देखेंगे टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, यही तो लिखा है ना भैया, ओपन। देखो ये लगेगा कि तो कठिन बना दिया, लेकिन नहीं। अब देखो दो दुनी चार, तीन तिया नौ, चार चौके सोलह और पचम पच्चीस। देखिए यहाँ नंबर ही ऐसे आएंगे कि आपको ये कठिन लगेगा, ये आसान लगेगा, लेकिन मुझे पेपर देने जाएंगे तो वहां ऐसे सवाल नहीं होंगे, ये जब मैं सवाल कराऊंगा तो ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, उसमें ऐसा कुछ आएगा ये सब गुणा करने पे चीजें आसान हो जाएं। अब आप देखो नौ चौक छत्तीस, कुल मिला के आप इनको जब गुणा करोगे ना तो आप देखेंगे यही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं।
आसान चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होंगी, वरना इनको हल करना बच्चों के लिए कठिन रहता है, खासकर जहां पे घाते आ जाती हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं। ये मैंने मिटा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग व्युत्क्रम देखते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है वो देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है इंग्लिश में इनवर्स। इनवर्स इन द सेंस, इनवर्स में लिख देता हूं, इनवर्स, ठीक है ना, थोड़ी राइटिंग गंदी है लेकिन वो धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है ना। अच्छा, इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज से ए लिखी है तो इसका इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन ए, ये होता है। ये तो साधारण है, ये घातांकी नहीं है। देखिए, घात कहीं लगी है, नहीं लगी है, एक होती हर जगह, लेकिन वो उसका काम नहीं है। ऐसा है, काम देखो क्या होता है, अगर ये लिखा है ठीक, अगर इसी की जगह पे मान लो कि लिखा होता ए की पावर माइनस एम। अच्छा देखिए, सब खेल इसमें माइनस का ही है, पता ही कैसे, अगर कहीं लिखा है ए की पावर माइनस एम, या फिर मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूं, आप इसे मिटाओ और दोबारा लिखो। हम लिखते हैं, कोई कलर ले लेते हैं, हम लेते हैं जैसे ए की पावर एम ले लेते हैं, दिख रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना, इसमें और क्लियर नहीं आएगा। ये लेते हैं जो पहले कलर था, कलर देख लेता हूँ, दोबारा ब्लैक ले लेता हूँ। तो हम लेते हैं, इससे लिखा है ए की पावर एम लिखा है, तो अगर इसे इन्वर्स करोगे तो ध्यान रखिएगा घात माइनस में चली जाएगी, बस यही अंतर होता है बीच, और कुछ नहीं। थोड़ा और साफ लिख देता हूँ, साफ नहीं लिख रहा हूँ, ए की पावर एम अगर लिखा है, अगर इसको इन्वर्स करने को बोले तो वन अपॉन ए की पावर एम। अब ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये वाला मिटा दो जल्दबाजी में, ये जल्दी जल्दी में राइटिंग गंदी हो जाती है, ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए, यही आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, जहां जहां भी बटे वाला काम आएगा। देखिए, अच्छा हाँ सॉरी, ये माइनस माइनस, आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस्तेमाल इधर से इधर नहीं कराएगा, हमेशा देखिएगा क्वेश्चन में, आपको इधर से इधर ले जाएगा, इन द सेंस वो आपको देगा ए की पावर माइनस एम, कहीं पे लिखा होगा, तो उसे क्या करेंगे, उसे हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे वन अपॉन ए की पावर एम, ठीक है ना। ज्यादातर आप यही देखोगे, ये नहीं देखोगे, मतलब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, लिखा है दो की पावर माइनस दो लिखा है, इसका आंसर पूछ ले, आपको बताऊं ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, केवल एक मतलब क्या, एक संख्या ही तो है लेकिन ये आया हुआ है, ठीक है ना, आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है वन अपॉन टू टू द पावर टू, ठीक है, मतलब कितना, एक बटे चार, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे करे होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसको चीजें नहीं मालूम उनको देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। ये दे दिया, ये कुछ और भी नंबर है बहुत सारे। अच्छा एक चीज और जान, अगर ये तो हो गया बेसिक, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा और अच्छा है, वो कैसे, जैसे लिखा हो, इसे मिटा देता हूं, लिखा है x, लिखा है x बटे y, x बटे y लिखा है, और ये इसकी पावर दी है माइनस वन, ठीक है ना, पावर दी है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी इसका इन्वर्स या इसका, मुझे कुल मिला के आप ये समझ लो, क्वेश्चन में आपको घात बदलनी है, घात बदलनी है, माइनस में से प्लस में करना है, ठीक है ना, वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना सवाल हल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है तो आप इसी चीज को पलट के लिख सकते हो, मतलब y अपॉन x, ठीक है ना। बताओ क्यों होता है, मैं ये भी बता देता हूँ, आप एक चीज ध्यान दो, अगर कहीं पे x बटे y लिखा है और ये माइनस में है पावर, तो मैंने आपको बताया ये नीचे चला जाएगा, है ना, तो कैसे जाएगा, देखिए एक बटे ये आपका एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई, ऐसे हुआ। अब देखो माइनस हट गया, संख्या ऐसे बनी, तो सीधी बात है ये पलट जाएगी, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया y अपॉन x, ठीक। ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और मेन इनवर्स का काम यही होता है कि संख्याओं को पलटने योग्य बनाता है वो, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अब मैं चलता हूं आगे, आगे देखते हैं इस पे, जब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, इसीलिए इस तरह से केवल टॉपिक टॉपिक लेके चल रहा हूं। जैसे नई चीज करते हैं और इसका एक और टॉपिक जानते हैं, उसमें क्या होगा देखते हैं।
ये मैंने मिटा दिया। और आपने सुना होगा कि अगर घात शून्य, मैं एक छोटी सी हेडिंग बना लेता हूं, अगर घात शून्य हो, ठीक है ना, अगर घात शून्य हो तो क्या करेंगे, देखिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखना चाहिए। अगर घात शून्य है तो हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से बताता हूं, जैसे लिखा पावर, एक कोई बेस है ए, ठीक है ना, और इसकी पावर है जीरो। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कहेंगे ए की पावर जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, इसका मतलब होता है ये एक है। चाहे जितनी बड़ी संख्या आधार में दी हो, अगर अगर वहां पे उसकी पावर जीरो है, ये जीरो बन रही है, तो हमेशा उसका आंसर एक आए। इसका बहुत इस्तेमाल है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहीं पे एक छोटा सा जीरो दे देते हैं और वो पूरी घातों को जीरो कर देता है, और लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसे हम कैसे हल करें। जैसे इस पे मैं आपको एक सवाल देता हूं छोटा सा, इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उसका भी इसमें इस्तेमाल छोटा सा हो जाएगा। जैसे लिखा है, मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, कोई मान लो दो है, सॉरी दो लिखा है, ठीक है ना, और इसकी पावर दो दी है। मैंने इस पे क्वेश्चन अभी कराया है, आपने देखा होगा कि घात के ऊपर घात, या मैं दोबारा बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा, और फिर दिया है जीरो, ये दे दिया। छोटा सा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका मुझे शायद मैंने भी नहीं बताया इसका, ये अगले में आएगा इसलिए मैं रुका हुआ हूं। देखिए मैंने देखा कि इसे कैसे सॉल्व करें, तो आप नॉर्मल करो, दो दूनी चार, मतलब अंदर चार, लेकिन पावर क्या आ गई, जीरो आ गई, तो एक ही हो जाएगा। आप कह दो, आप मान लो लिखा है सौ, अब मान लो 10,000 लिखा है, अगर इसकी पावर भी जीरो है तो इसका मान एक ही होगा, हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा, ठीक है ना, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा कोई भी संख्या लो, मैं कौन संख्या लूं, कुछ भी आप ले लो, आप ये ना लो कोई मान ले लो, मान लो आप 343 ले लो, भाई संख्याएं हैं बच्चों को देख के कठिन लगती हैं, तो मैंने ये ले लिया। लेकिन अभी मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसकी पावर लिखता हूं दो, और ये ब्रैकेट लगाता हूं, और फिर मैं इसकी पावर लिखता हूं तीन, फिर मैं ब्रैकेट लगाता हूं, अब मैं पावर लिखता हूं इसकी जीरो, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जब ऐसा प्रॉपर्टी आता है ना, शायद मैंने पता नहीं बताया नहीं बताया, पर मैं दोबारा भी आगे बता दूंगा, जब ऐसा कुछ आता है ना, अगर बेस है अंदर और बाहर दिया है, तो ये सब आपस में गुणा हो जाएंगे, मतलब m इंटू n इंटू जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना, या जो भी यहाँ संख्या दी हो, अगर जीरो है तो ये पूरी जीरो होगी नहीं होगी, आप बताओ, आपके पास चाहे जितना रुपया हो, ठीक है ना, अगर उसमें तुम जीरो से गुणा करोगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, शून्य, ठीक है ना, तो सीधी बात है ए की पावर यह जीरो बन जाएगा, या 343 जो है वो क्या बन जाएगा, 343 की पावर जीरो, मतलब 343 को किससे गुणा करना है। अब देखिए अगर 343 गुणे एक लिखा है, या 343 की पावर एक है, इसका मतलब 343 को एक से गुणा करना है, या कहीं एक बार गुणा करना है, ठीक है ना। अगर 343 पावर दो लिखी, इसका मतलब उसे दो बार 343 343 में गुणा करना है। तीन लिखा होगा, मतलब उसी संख्या को तीन बार गुणा करना होगा। या ऐसे कहो कि अगर 5 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब 5 जो है वो 5 बार गुणा में लिखा है, ठीक है ना, इस रेस का इस्तेमाल है। चलिए जो यहां बताना था वो मैं अगले टॉपिक में बता देता हूं। देखिए इसे मिटाता हूं, पता नहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने कराया नहीं कराया, वो मैं पीछे जाके देख नहीं सकता, छोटा सा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे शायद मैंने बताया घातों की घात, मैंने एक हेडिंग बनाई थी घातों की घात, मतलब जैसे लिखा है अगर ए लिखा है और यहाँ एम है, फिर ये ब्रैकेट बंद है, फिर एन है, फिर ब्रैकेट बंद है, यहाँ पी है, फिर ब्रैकेट बंद है, यहाँ क्यू है। अगर ऐसा कुछ दिया है, शायद मैंने बताया है, कोई बात नहीं दोबारा बता देता हूँ, ये लिखा है तो आप क्या करो, आप घात लिखो, सॉरी जो आधार है वो लिखो, और फिर इन सबको क्या करो, आपस में गुणा करके लिख दो, मतलब एम इंटू एन इंटू आपका पी इंटू क्यू, ठीक है ना, और ये बंद कर दो, ये दोनों समान हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे। इसी भी देखिए सवाल था कि एक जीरो आ गया, अब कहीं भी गुणा में अगर जीरो आ जाएगा तो अपने आप संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब सॉरी घातें शून्य हो जाएंगी, अगर घात शून्य होती किसी भी संख्या की उसका मान एक होता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं अब क्या करना है। अब देखिए मैं इसे पहले मिटा देता हूं,
एक छोटा सा टॉपिक होता है विक्रम घात का नियम, बना लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं विक्रम घात का नियम। देखिए राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है ना, राइटिंग गंदी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी। अगर विक्रम घात का नियम है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं इसका इस्तेमाल क्या होगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कैसे वो दे देगा, कहेगा जैसे लिखा है ए की पावर एन बराबर बी, ये बराबर है ए की पावर एन बराबर बी लिखा है, या इसे मैं मिटा देता हूं, थोड़ा गंदा हो गया, और दोबारा लिखता हूं, अगर अगर ए की पावर एन है बराबर बी दिया है, तो आप चाहो ना इसे तो ए बराबर बी टू दी पावर वन अपॉन एन ये लिख सकते हो, इसका इस्तेमाल होता है। इस पर एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे ए शायद मैंने हाँ सही लिखा है, व्युत्क्रम घात का नियम मैंने लिखा है, जैसे लिखा हो कि एक्स की पावर और एक्स की पावर तीन दिया है, एक्स की पावर तीन बराबर पांच, एक्स की पावर तीन बराबर पांच, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स बराबर पांच की पावर एक बटा तीन। आप देखोगे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, कैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए एक्स क्यूब, मैं दोबारा इस चीज को लिखता हूं या यही दिखाता हूं, अगर एक्स क्यूब बराबर फाइव तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर थ्राइस निकालेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं वर्गघात निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ यही तो करेंगे ना, बताइए यही तो करते हैं, तो देखिए क्या आता है भाई, अंदर थ्राइस है कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट पांच लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसकी घात, यही आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए वही तो लिखा है, चाहे इसे ऐसे लिख लो और चाहे इसे आप घात बना के ऐसे रूट बना के ऐसे अंदर लिख लो, बात तो यही है ना, लिखने के तरीके होते हैं, इसीलिए कोई भी सूत्र उससे बाहर नहीं है, ये जो भी बेसिक में बता रहा हूँ ना सब एक दूसरे चीज जुड़ी हुई है, कोई भी चीज अलग नहीं है कुल मिला के। अच्छा इतनी चीजें हो गई हैं, और मैं कुछ देखता हूँ, वरना एक छोटे छोटे मैं सवाल कराता हूँ आप लोगों को जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने मिटा दिया, एक छोटी चीज है वो भी जान लीजिए कि जैसे कहीं पे लिखा है कि a है और a की पावर n दिया है, और ये ब्रैकेट लगाया, यहां लिखा मैंने n, ठीक है ना, फिर मैंने एक मंझला ब्रैकेट लगाया और मैंने लिखा 1, और फिर मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगाया और यहां लिखा p, तो जो ये लिखा सामने ना इसमें, और कहीं पे अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि a की पावर m की पावर n की पावर 1 की पावर p, ये बराबर नहीं होते, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ये अंतर तब क्लियर होगा जब हम आगे के सवाल करेंगे, तो हमको ये चीजें समझ में आएंगी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, काफी अंतर, ब्रैकेट का मतलब उस चीज को पूरा होल कर देना, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं, मेन अंतर यही है, लेकिन ठीक है जब आगे सवाल आएंगे तब ये बढ़िया क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जहां पे समझ ना आए मुझे दोबारा बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से मैं समझा सकूं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, कहीं पे लिखा है कि 16 की पावर 0.16, ठीक है ना, 0.16 इंटू 2 to the power 0.36, ठीक है ना। आप इस सवाल को हल करिए, टाइम कितना हो गया ये देखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रश्न है हमारा। अब इसे अगर हम जो सॉल्व करने जाएं तो हम देखते हैं कि पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि आधार समान होना चाहिए तभी तो हल करोगे, तो देखो ये तो 2 है ये 16 है, ये तो समान नहीं है, तो पहला काम हमें क्या करना है, अगर आधार समान नहीं है तो हमें आधार समान करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं भाई, हमें मुझे मालूम है कि जो 2 है ना, अगर 2 को हम 4 बार लिखें, देखिए 2 × 4 × 8 × 16 मतलब 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो हम चाहे ना तो 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 4 और ये बाहर पावर है 0.16 इंटू ये 2 और 2 to the power क्या है 0.36। अब देखिए यहाँ बच्चों आधार समान हो गया, लेकिन अभी ये घात है,
इसे भी सही कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ए है बेस और कोई घात ऐसे लिखी है ना, ए की पावर एम टू द पावर एन, अगर ऐसा कोई लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन, ये हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। अब देखिए सेम यही भी वही करना है, आप देखो 2 की पावर 4 है और फिर उसके एक और पावर लगी है, देखिए 16 चौके 64, इसका मतलब क्या लिख के आया बाहर आएगा, 2 की पावर 16 चौके 64 मतलब 0.64, देखिए आ गया, आया ना, उसके बाद फिर गुणा लगाया, फिर क्या आएगा 2 टू द पावर 0.36, एक ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए है क्या, सिर्फ जो मैंने 5-6 प्रॉपर्टीज बताई केवल वही लग रही, आप खुद देखो, एक तो यहाँ पे लगी थी ए की पावर एम इंटू द पावर एन, एक ही लगी थी, और यहाँ दूसरी पावर लग रही, यहाँ लग रही ए की पावर एम, ठीक है ना, इंटू ए की पावर एन बराबर क्या होता था, ए भाई आधार समान होना चाहिए, वही इसलिए मैंने किया एम प्लस एन, मैंने ये आपको बताया था, देखिए यहाँ पे यही इंप्लाई हो रहा है, आप खुद देखो, देखो यहाँ पे बेस समान है, ठीक, दो बेस समान है, अब इनको जोड़ लोगे, देखो जुड़ रहा है एम प्लस एन हो रहा है ना, ये जुड़ रहा है तो हम जोड़ लेते हैं, अब देखो 6 4 10, ठीक है ना, और 6 3 9 और जो बचा हुआ था 1 10 और फिर बचा 1, ये लिखा, अच्छा कितने पॉइंट 0 बार 2 बार, ये देखो मतलब 2 टू द पावर 1 या फिर 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए बेसिक है, अभी केवल एक शुरुआत का प्रोमो बता रहा हूँ, उसमें आपको चीज समझ में आएंगी छोटी छोटी कि हाँ कैसे क्या होगा, ठीक है ना, जब आगे लगाएंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, कितना टाइम हो गया, पढ़ते हैं, टॉपिक क्या, वो बेसिक खत्म हो गए हैं, अब क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा 30-35 मिनट चलाना, रुक दें।